सियासत के झमेलों से निकलकर आज हम लोग क्यों ना चलें एक लैंड ड्राइव पर। आप लोग भी रोज मियां साहब की बातें सुन सुन कर तंग आ चुके होंगे, तो आए चलते हैं ड्राइव पर। आज छुट्टी का दिन है, बड़ा जबरदस्त मौसम है। जगह यहाँ पर मैं हूँ और इनके $35 का एक टिकट है एंट्री का, और आपको अंदर 5 से 10 जानवर जो नेटिव जानवर हैं इनके यहाँ पर वो नज़र आते हैं। फिर कुछ आपको यहाँ पर परिंदे हैं, तोते हैं, जो मैं आपको सारे दिखाऊंगा अंदर है। जो मेन चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी लग्जरी इतनी जगह, इतनी अच्छी जगह नहीं है उस तरह कि थोड़ा इसके आपको ये आपको नज़र आए, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है फैसिलिटीज, इस अंदाज में इसको मार्केट किया गया है कि लोग आकर यहाँ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और वो अपने बर्ड्स को जो उनका अंदर शोर है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस्लामाबाद में या स्वात वैली में या उन जगह पर इस तरह का कोई बड़ा टूरिस्ट स्पॉट हो जहाँ पर हम अपने नेटिव जानवर, जैसे हमारे पास मारखोर एक बहुत बड़ा जानवर है, गुलेरिया जो हमारी आप यकीन करें कि पूरी दुनिया में लोग हैरान होते हैं देख के, हमारे पास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम वहाँ रख कर और टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, ये वो एक्टिविटीज़ बना रही है। यहाँ पर आकर मैंने एक रिपोर्ट पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो स्ट्रेटजीज की बनाई है कि इफेक्टिवली हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। सो दिस कुड बी वन ऑफ द मेजर उसमें ब्लो हो सकता है कि जिससे पाकिस्तान की टूरिज्म लिफ्ट हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये विजन भी है कि और जुल्फी बुखारी इस पर काम भी कर रहे हैं कि टूरिज्म को प्रमोट कैसे करना है, कि ये उसकी एक सबसे बड़ी एक बहुत चीज़ है। यहाँ पर दुनिया जहाँ के टूरिस्ट आए हुए हैं और जिनसे ये प्रमोशन जो आपकी ना वर्ल्ड वाइड होती है इन चीज़ों से, $35 का टिकट है, अंदर लोगों ने आइसक्रीम ली, खाना लिया, चीज़ें ली, सो इट कॉस्ट ऑलमोस्ट एक बंदे को $50 से $100 की कीमत पड़ता है। तो ये सारा रेवेन्यू जनरेशन की एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीम है। इस चीज़ में आपको अंदर चल के दिखाता हूँ है क्या, लेकिन मजीद चीज़ें भी इसमें मैं पाकिस्तान आकर बनाकर आपको दिखाऊंगा, लेकिन टूरिज्म को हमने प्रमोट करना है और दिस इज़ वन ऑफ द की स्टेट में इंशाल्लाह मैं आपको मजीद इस पर अपील करूँगा।
पेशावर से आप आए हैं अंकल जी, तो पहले तो ये बताया ऑस्ट्रेलिया आपको लगा कैसा अभी तक? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा है। तो अभी तक जो आपने यहाँ पर जैसे ये पार्क में आप आए हुए हैं, इसमें तो पाकिस्तान में भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत पार्क हैं, तो टूरिज्म वहाँ बड़ी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर और वहाँ पर कुछ फ़र्क आपको नज़र आया ऐसा? यहाँ पर हर आदमी सफाई का ख्याल रखता है, जबकि वहाँ पर हर आदमी उसको गंदा करने का, मतलब सफाई का ख्याल हम लोग, सफाई का ख्याल हम लोग नहीं रखते। अगर सफाई का ख्याल रखें तो वो पाकिस्तान जैसी, यानी एनवायरमेंट या पाकिस्तान जैसी खूबसूरती दुनिया में कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, देखें ना वही आप, अब ये देखें आपका नाम क्या था अंकल जी? अकीम मोहम्मद आरफ। अकीम मोहम्मद आरफ साहब देखें पेशावर से हैं और ये कह रहे हैं कि दुनिया में मतलब बहुत जगह घूमे हैं, यहाँ जो उन्हें खूबसूरती पाकिस्तान में नज़र आई है वो कहीं नज़र नहीं, कहीं भी नहीं है। तो अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें तो हम लोग इसको दोबारा, ये जो जन्नत बन सकती है, जन्नत इंशाल्लाह। पाकिस्तान में अल्लाह तबारक तआला ने जो चार मौसम रखे हैं जी, मौसम गर्म है, फिर उसके बाद खजां है, उसके बाद फिर सर्दी है, उसके बाद बहार है। तो पाकिस्तान में हर जगह जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर डिफरेंट नज़र आएगी, यानी उन चीज़ों से बख्शा है, अपनी तमाम नियमतों से बख्शा है जी, जो कहीं और पर नहीं है, लग रहा हूँ उसकी कदर हम लोग नहीं करते। देखें ना अभी यहाँ पर, अब जैसे हम देखते हैं कितनी जगह बनी हुई है इस तरह की, और बहुत मतलब रौनकें हैं हर, लेकिन हर चीज़ का सफाई का निज़ाम है कि इस तरह होना चाहिए। हकीकत के साथ आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा है। वो क्या मतलब आपका आर्टिफिशियल? मतलब इस जो भी कुदरती मनाजर है उनको उन्होंने निखार के पैदा किया है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उसको उसमें निखार पैदा किया है, जबकि हम हमारा कंसेप्ट यह है कि हम कुदरती चीज़ों को बिगाड़ के पेश करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ पर इतने जानवर नहीं थे जिस तरह इन्होंने एडवर्टाइज़ किया हुआ था। अब ये टूरिज्म की मार्केटिंग के लिए, ये इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए ये एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि आप देखें कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर वो जानवरों को देखने के लिए आए हैं, और जानवर टोटल कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 जानवर हैं। अब इतने ही जानवर आपको, मैं इस्लामाबाद जू में गया मुझे इतने ही नज़र आए, लेकिन अब उसमें फ़र्क क्या था कि ना उसकी इफ़ेक्टिव मार्केटिंग हुई, ना उसके लोगों को बुलाया गया, ना वहाँ पर कुछ सहूलतें रखी गईं, ना उन्होंने कुछ इस अंदाज़ में इसको प्रमोट किया। तो हमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेशली टूरिज़्म को हमने प्रमोट करना है, तो हम अपने जो आइकॉन हमारे पास इस वक्त जो बड़े बड़े वहाँ पर मौजूद हैं ऐसे नायाब जानवर जैसे मारखोर है, ये जो दुनिया में नज़र नहीं आते। अब यहाँ पर इनकी जो अच्छी बात है, इनके इंतज़ाम बड़े अच्छे थे, बड़े डिसिप्लिन तरीके से लोग इनक्रेज करते हैं इस तरह की चीज़ों को। तो हमें ये करना है कि अपने जो ज़ू हैं, मैं जानवरों की हालत देखता हूँ, हमें बड़ा अफसोस होता है, हमें उन जानवरों की भी ख्याल करना चाहिए और उस एरिया का भी, गंदगी सफाई हर एक चीज़ को देखें कितने बैलेंस मुनज़्ज़म अंदाज में बनाया गया है। फिर ये लोग आते हैं यहाँ, चाहे कुछ नज़र आए या ना आए, एक दिन छुट्टी का वहाँ पर अगर मलिक रियाज साहब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी चार गुना ज़्यादा कीमत होती है, आम बंदा जा ही नहीं सकता। इसीलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इज़ के इफेक्टिव मार्केटिंग और स्ट्रेटजी से ही आप क्राउड को पुल कर सकते हैं, और यही हमें आज के वीलॉग में सीखा है कि हमने पाकिस्तान में, मैं इंशाल्लाह आऊँगा और वहाँ पर मैं उनको ये कुछ आइडियाज़ दूंगा कि हम लोग किस तरह इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह लोगों को वहाँ टूरिज़्म के लिए, उन जगहों के लिए ला सकते हैं।